हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ब्लूटूथ स्पीकर हम रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ये पूरा डेड कंडीशन में ये बंद है, ठीक है। तो इसे पावर ऑन करने पर भी कुछ रिस्पांस नहीं है इसमें। और गाइस, हम इसमें चार्जर लगाते हैं, एक मिनट। तो गाइस, हम इसमें चार्जर लगाते हैं, चार्जर लगाने पर भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें चार्जर लगाने पर भी रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। तो गाइस, ये देखिए गाइस, इसमें जो प्रॉब्लम है ये हम खोल के रिपेयर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आने पर लाइक या कमेंट शेयर जरूर कीजिए गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, किस तरीके से रिपेयर करते हैं। तो इसे हम खोल देंगे। सबसे पहले गाइस, हमें इसे ऊपर का निकाल देना है, ठीक है। ये ऐसा इस तरीके से निकल जाएगा और ये कुछ इस तरीके से दिखाएं। यहाँ पे गाइस, हमारे पास इसमें तीन स्क्रू रहने वाले हैं, हमें इसे तीनों स्क्रू निकाल देना है। तो गाइज, कुछ इस तरीके से ये खुल जाएगा तीन स्क्रू के बाद। तो ये इसका मदरबोर्ड है गाइज, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऑडियो आईसी है, ये जो कंट्रोलर है इसी पूरी, तो ये ब्लूटूथ वगैरह यहाँ से कंट्रोल होता है गाइज, ठीक है। तो ये एफएम ब्लूटूथ यहाँ से चलता है, ये मेन आईसी है और ये एम्पलीफायर आईसी है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसे खोल देना है पूरा। तो खोल के यहाँ पे हमें इस तरीके से बोर्ड है गाइज इसका, ठीक है। अभी गाइस, हमें से जो चार्जिंग का प्रॉब्लम है तो इसे यही सेक्शन में देखना है, यहाँ पे पिन के साइड में। तो गाइस, ज्यादातर प्रॉब्लम इसे पिन की जगह पे होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस, ये इस तरीके से बोर्ड में गाइस ये पिन की जगह पे प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे पावर लगाया गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे चार्जर की पिन है। तो यहाँ पे इसे इधर लगा के देखना है पावर आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पे नो पावर है, यहाँ पे नो पावर है, ठीक है, कहीं भी पावर नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे गाइस, यहाँ पे चार्जर के लिए यहाँ पे लगा के देखेंगे, अगर यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो गाइस पिन में पावर आ रहा है गाइस, ठीक है। तो पिन से कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे गाइस, एक बार लेंस लगा के जूम करके देखता हूँ, जो पिन का और मदरबोर्ड का कांटेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्डर निकल चुका है, उखड़ चुका है गाइस, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, अब इसे हम सोल्डर मार के देखते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने सोल्डर मार के हमने सेट कर दिया है गाइस, ठीक है। तो इसका जो है कॉन्टेक्ट हो चुका है। और गाइस, ये जो पिन ढीली थी गाइस, तो इसके लिए गाइस यहाँ पे हमने इसे भी अच्छे से अच्छी तरीके से सोल्डर मार के हम इसे एकदम स्ट्रांग कर दिए गाइस, ठीक है। मजबूती से इसको सोल्डर मार चुके गाइस, ठीक है। तो गाइस, अब इसे चार्जर लगा के देखते हैं पावर आता है या नहीं, ठीक है। तो गाइस, इस तरीके से ये एलईडी तो चल रहा है गाइस। तो गाइस, ये लगाने से पहले ध्यान दीजिए गाइस, तो यहाँ पे जो है ये स्पीकर के वायर है, तो स्पीकर के सफेद पिन में ही लगाना है। और गाइस, ये जो है बैटरी के वायर है, बैटरी के वायर स्पीकर में नहीं लगाना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो एम्पलीफायर की आईसी है खराब हो जाती है गाइस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लगाना है, रेड में लगाना है पावर की बैटरी के वायर, ठीक है। तो इस तरीके से लगा देना है। और यहाँ पे चार्जिंग, चार्ज हो रहा है गाइस, ठीक है। तो इसे Bluetooth mode. FM mode. तो गाइस, इस तरीके से ये जो है मदरबोर्ड ओके हो चुका है गाइस, ठीक है। पिन लूज होने के कारण इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा था गाइस, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।